तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत हो गया आपका आदित्य पाठक ब्लॉग्स में। तो आज हमारी दादी हमसे मिलने के लिए आ रही है। तो दादी कैसी हो? और बहुआ के लिए और अपने पोतियों के लिए आई हूँ हल्द्वानी में। सही है। गाँव गाँव अच्छा लगता है हल्द्वानी? अरे गाँव में लगता है क्यों, गाँव में ऐसा क्या है? क्यों गाँव में ऐसा क्या है जो हल्द्वानी में नहीं है? पवन पहाड़ी को जानती हो आप? सही है। और बताओ, रुद्रपुर अच्छा लगता है हल्द्वानी? अच्छा लगता है। हल्द्वानी मेरे पोते के सरपाई को बोला हम इसको काटेंगे। मेरे पोते तो भाई हमारी दादी के कहने का मतलब है कि मैं अपने मेरे पोते को चैनल को सब्सक्राइब करो, आप समझ ही गए होंगे, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। और दादी लाइक भी कर देना। बोल, लाइक भी कर देना। देखो भाई दादी इतने प्यार से कह रही है, कर ही देना भाई। आराम से तो पूछ दादी, लेना जब भाई। आप रुद्रपुर गई थी तो आप किस किस से मिलके आई? अपने पोती से मिलने आई, अपनी लड़की से मिलने आई। अच्छा, तो आपकी सबसे बड़ी बेटी कहाँ रहती है? सुरूर में रहती है। गरुड़। और हाँ, सबसे छोटी? सबसे छोटी नजफगढ़ में रहती है, और उससे भी बड़ी? गाजियाबाद में रहती तो है। आपके टोटल कितने हैं बेटे बेटी? आप तो मेरे तीन लड़की है, तीन लड़का। तो दादी हल्द्वानी में ही होली बनाओ। अब गांव में होली जस बनाना तेरी इच्छा पसंद हो सब बोल। आपको होली बनाना हल्द्वानी में अच्छा लगता है? गांव में? गाँव में गांव में ऐसा क्यों? क्यों अच्छे गांव होते में हैं? रंग लगाने नहीं आते क्या? हाँ, गाँव में अच्छे होते हैं होली। अच्छा, गांव में तो अलग ही मजा है ना। हाँ, सही है। और बताओ फिर, कब तक हो हल्द्वानी में? 2-4 दिन है। 2-4 दिन? ठीक है, बढ़िया। तो भाई इस ब्लॉग में बस इतना ही। जिसने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा कर देना। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही। आगे मिलते हैं कोई और एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।